अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू चैनल। आज के इस वीडियो में बताऊँगी आपको सेल्फ़ इस्टीम के बारे में। सेल्फ़ इस्टीम होती क्या है? सेल्फ़ इस्टीम का मतलब है हमारी खुद एतमादी, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, कि कोई भी इंसान खुद को किस तरह से वैल्यूएबल समझता है, किस तरह से परसीव करता है। सेल्फ इस्टीम हमारे बिलीव्स और हमारे ओपिनियंस पर बेस कर रही होती है। सेल्फ इस्टीम हमारी खुद की ज़ात से रिलेटेड ओपिनियन होती है, जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी वर्थ और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट शामिल होती है, जो कि हमारी एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग और हमारी खुद पसंदी पर बेस कर रही होती है कि हम खुद को किस तरह से एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड और लाइक करते हैं। सेल्फ इस्टीम की टू टाइप्स है, हाई और लो। हाई सेल्फ इस्टीम इन एटीट्यूड पर बेस करती है, जिनमें एक इंसान की वैल्यूज आ जाती है, उसकी जॉब आ जाती है, उसकी अचीवमेंट्स आ जाती हैं, उसकी थॉट आ जाती हैं, उसका पर्पस ऑफ लाइफ आ जाता है, उसका प्लेस, उसकी सक्सेस, उसका स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसका सोशल स्टेटस, उसका रिलेशनशिप, उसकी एबिलिटी अपने पाँव पर खड़े होने की, ये सब कुछ सेल्फ इस्टीम में आ जाता है, जो कि सेल्फ इस्टीम को हाई करता है। जिन लोगों में सेल्फ इस्टीम की कमी होती है वो इन तीन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, यानी कि वो खुद को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको अपनी हर बात नागवार गुजरती है, खुद में मगन रहते हैं, रिजर्व हो जाते हैं, शाय हो जाते हैं। और वो लोग जो जिनमें सेल्फ इस्टीम हाई होती है वो इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस होते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, अपने गोल को अचीव करने की हिम्मत और सलाहियत रखते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे सेल्फ इस्टीम को डेवलप करने में अहम किरदार अदा करते हैं। उनका रवैया हमारे सेल्फ इस्टीम को बिल्ड करता है। अगर वो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो हम अपने आप को पॉजिटिव परसीव करते हैं और हमारी सेल्फ इस्टीम हाई होगी। और अगर वो हमें नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो हमारी सेल्फ इस्टीम ऑब्वियसली लो होगी। लाइफ में कुछ करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए खुद एतमादी बहुत ज़रूरी है। पुअर सेल्फ इस्टीम को हाई करने के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको टिप्स बताऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।